वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। जम्मू कश्मीर में अब फाइनल रिजल्ट आना शुरू हो चुका है और एग्जिट पोल फिलहाल रुझानों में फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब नजर आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, यानी ये इंडिया अलायंस, जिसने जबरदस्त तरीके से अभी रुझानों में जीत दर्ज कर ली है। और फाइनल मैंडेट भी कुछ ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर आने लगा है, क्योंकि वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और कुछ सीट्स पर देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत पक्की कर चुकी है और कुछ जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जीत पक्की कर चुकी है। लेकिन कुछ हॉट सीट्स हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला की सीट हुई गांदरबल और बडगाम से, जैसे इल्तिजा मुफ्ती की सीट हुई बिजबिहाड़ा से, सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी भी इसमें हैं, और रविंदर रैना जो अब पीछे चल रहे हैं पिछले कुछ घंटों से, यानी ट्रेंड्स अब एग्जिट पोल के लिहाज से बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको अब एक बार हर एक सीट इन हॉट सीट्स की तरफ ले जाऊंगी और दिखाऊंगी वहां क्या स्थिति बन रही है, कितने राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है और कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। मैं अपने सहयोगी के जरिए से अब आप तक वो डेटा दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आपके सामने है जम्मू कश्मीर की करंट टैली, जिसमें आपको इस समय भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर लीड लेते हुए नजर आ रही है और इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीटों पर आगे बढ़ रही है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 7 सीटों पर और इसी तरह कांग्रेस 6 सीटों पर और पीडीपी 4 सीटों पर लीड लेते हुए नजर आ रही है। तो ये हम आपको अभी वहाँ की सीट का ट्रेंड बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम आपको लिए चलेंगे सबसे पहले गांदरबल। तो गांदरबल की ये सीट इस समय मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर उमर अब्दुल्ला के लिए गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है और अब मिठाई के डिब्बे जो हैं गांदरबल में खुल चुके हैं। हालांकि अभी 25 राउंड की वोटिंग जो यहाँ पर होनी थी उसमें से 12 राउंड की वोटिंग ही हुई है और यहाँ पर अगर उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं गांदरबल में तो वो 6214 वोट से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला यहां लीड कर रहे हैं शुरुआत से, सुबह से ही, और इसके बाद बशीर अहमद मीर जो पीडीपी के हैं वो यहां से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कई और इंडिपेंडेंट और आजाद पार्टी के कैंडिडेट यहां से थे, कैसर सुल्तान गनी, वो भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट यहां उतारा था, काजी मुबशीर फारूक, वो भी पीछे जाते हुए नज़र आ रहे हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी यहाँ लगातार हारते हुए ही नज़र आ रहे हैं। पैंथर्स पार्टी के भी उम्मीदवार थे जो बहुत पीछे हैं, बहुत ही बुरी स्थिति में, केवल 236 वोट इनके लिए पड़े, लेकिन उमर अब्दुल्ला ज़बरदस्त जीत के साथ आगे बढ़ते हुए 12 राउंड की वोटिंग हुई है गांदरबल में। उमर अब्दुल्ला यहाँ 6214 वोट से आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह मैं आपको अब उमर अब्दुल्ला की दूसरी सीट की तरफ लिए चलूंगी। चलेंगे आगे और बढ़ेंगे बडगाम की तरफ। बडगाम में भी उमर अब्दुल्ला शुरुआत से ही आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ रिकॉर्ड तोड़ उनके लिए वोटिंग हुई है, 18485 वोटों की लीड, 18485 वोटों की लीड यहाँ उमर अब्दुल्ला को मिल रही है। आपकी स्क्रीन पर आपको उमर अब्दुल्ला दिखाई पड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इस समय आपको दिखाई पड़ रहा है। ये जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं ये 18485 वोट की लीड उन्हें मिल रही है और टोटल वोट 36010 है इसकी संख्या, और बुरी तरह पिछड़ रहे हैं पीडीपी के कैंडिडेट आगा सईद मुंतजिर मेहदी और इसके साथ साथ निसार अहमद पाल भी, जिन्हें उतारा गया है चुनावी मैदान में, और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आगा सईद अहमद मूसवी को अब चुनावी मैदान में उतारा था, वो भी बुरी तरह हार रहे हैं। यानी गांदरबल और बडगाम दोनों ही सीटों पर उमर अब्दुल्ला जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और जीतते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। खैर, अब मैं आपको अगली सीट की तरफ लिए चलूंगी और अगली हॉट सीट है जम्मू की नौशहरा सीट, जहां पर रविंदर रैना के लिए बहुत बुरी खबर है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जितने आश्वस्त और भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग रविंदर रैना ने की है उस हिसाब से वो स्कोर कर नहीं पाए हैं और
पूरी तरह मैदान पर आउट हो चुके हैं और अब उन्हें वापस पवेलियन लौटना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो 8751 वोट से पिछड़ रहे हैं और उन्हें मात दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सुरिंदर कुमार चौधरी, जो 8751 वोट से आगे हैं सुरिंदर कुमार चौधरी। और रविंदर रैना पिछड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ 9 राउंड की सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा भी नहीं है कि रविंदर रैना यहाँ पर अगले कुछ राउंड में जीत जाएं, क्योंकि ये 9 राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है और आखिरी राउंड की जो गिनती है, माफ कीजिएगा, 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 10वें राउंड के लिए गिनती अब चल रही है और ये आखिरी राउंड है। तो आखिरी राउंड में ऐसा कोई चमत्कार हो नहीं सकता है कि रविंदर रैना यहाँ सुरिंदर कुमार चौधरी को हरा दे और लगभग रविंदर रैना की जमानत जब्त होती हुई हारते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। केवल 24,429 वोट अब तक उनके पक्ष में और उधर सुरिंदर कुमार चौधरी चमत्कार कर गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सीट निकालने में कामयाब हुए हैं। ये नौशेरा की सीट हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद बहुत बुरी खबर, बहुत बुरी खबर पीडीपी के लिए, क्योंकि यहां इस बार महबूबा मुफ्ती पूरी तरीके से पीडीपी की कमान और विधानसभा चुनावों की कमान इल्तिजा मुफ्ती के हाथ में सौंप चुकी थी, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती कोई चमत्कार नहीं कर पाई है। रविंदर रैना से भी बुरा हाल यहां पर इल्तिजा मुफ्ती का दिखाई पड़ रहा है। 12 राउंड की काउंटिंग होनी थी, आपको हम दिखा रहे हैं 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, आखिरी राउंड बाकी है और आखिरी राउंड तक आप इधर देखेंगे 8,758 वोटों से पीछे चल रही हैं इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी। और बिजबिहाड़ा पीडीपी के लिए बहुत मजबूत सीट थी और यहां पर चमत्कार कर गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बशीर अहमद शाबीरी, जिनके पक्ष में 31,292 वोट मिले हैं और 8,758 वोट की लीड उन्हें मिल रही है 11 राउंड तक। इल्तिजा मुफ्ती का हारना अब कंफर्म हो चुका है, क्योंकि आखिरी राउंड में कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है कि वो 8,758 वोट के अंतर को कवर कर पाए। तो इल्तिजा मुफ्ती भी यहां से हारती हुई नजर आ रही हैं। श्री गुफवाड़ा ब्रिज बिहाड़ा से, जो यहाँ पर पीडीपी का जिसे गढ़ माना जाता था, और बहुत ही बुरी खबर यहां से सीधे सीधे निकलकर सामने आई है। अब मैं आपको एक और हॉट सीट की तरफ लिए चलूंगी, क्योंकि ये सीट काफी चर्चाओं में रही थी। जब हम बात करते हैं अल्ताफ बुखारी की, तो भारतीय जनता पार्टी के करीब भी गए, लेकिन इस बार हारते हुए ही नजर आ रहे हैं और हार भी ऐसी कि बहुत बुरी, क्योंकि 11 के 11 राउंड में काउंटिंग जो है यहाँ पर पूरी हो चुकी है। आपको मैं फुल स्क्रीन में दिखा रही हूँ इस समय। सबसे पहले आप ये देखिए, 11 के 11 राउंड में चानमपुरा आपको ये सीट है और यहाँ 11 के 11 राउंड की वोटिंग जो है वो, माफ़ कीजिएगा, जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और यहाँ पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी 5,688 वोटों से हार गए हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जीत गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जितनी भी हॉट सीट हमने अभी तक आपको बताई, हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ही लीड कर रही है, 5,688 वोट से जीत हैं मुश्ताक गुरु। और बहुत बुरी तरह हार गए हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सबसे बड़े दिग्गज चेहरे सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। 11 के 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है चनापोरा से और बहुत बुरी खबर यहां से निकलकर सामने आई है। इसके बाद मैं आपको लिए चलूंगी अगली सीट की तरफ और अगली सीट है हंडवाड़ा। तो हंडवाड़ा भी हॉट सीट है, क्योंकि यहां से चुनावी मैदान में थे सज्जाद लोन और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेहरे सज्जाद लोन को लेकर अंदाज़ा था कि कई सीट निकाल लेंगे और हो सकता है कुछ बड़ा चमत्कार हो जाए, आगे जाके बीजेपी के लिए भी फेवरेबल कैंडिडेट बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस के साथ जब जब बीजेपी का नाम जुड़ा हल्का सा भी, वो पार्टी बुरी तरह धराशायी हुई है। कश्मीर का तो लगभग यही बता रहा है और इस समय सज्जाद लोन के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि 10 राउंड में वोटिंग पूरी हो चुकी है और यहाँ पर हारते हुए ही नज़र आ रहे हैं। अभी 728 वोट की लीड ज़रूर मिली है,
अगर बच भी गए तो बहुत कम मार्जिन से ही बच पाएंगे। देखिए तकरीबन 728,000 भी नहीं हुआ है ये पूरा, और 1,000 वोटों की भी लीड सज्जाद लोन के पास नहीं है तो कहना मुश्किल। और ये अभी ट्रेंड चेंज हुआ, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद रमजान आगे चल रहे थे, लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है कहना मुश्किल है, और लगता नहीं है कुछ बड़ा चमत्कार हो पाएगा। लेकिन ये हॉट सीट्स पर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन आज की तारीख सबसे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी लेकर आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि जो हॉट सीट्स हमने दिखाई हैं उन तभी सब सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है। पीडीपी को पीछे छोड़ दिया, बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि रविंदर रैना हार जाएंगे, ये भी अंदाज़ा नहीं था कि इल्तिजा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने पूरी पीडीपी सौंप दी, वो भी इतनी बुरी तरह हार जाएंगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और चमत्कार कर दिया, जीत पक्की कर ली, और नई सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अब पूरी तरीके से तैयार है। मैंडेट कम से कम अभी तक रुझानों में यही कह रहा है।